नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव आज 76 साल के हो गए। आज उनका जन्मदिन है और इस जन्मदिन के मौके पर आधी रात से ही उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। लालू प्रसाद यादव ने राबड़ी आवास पर अपने जन्मदिन का केक आधी रात में काटा। इस दौरान उनका पूरा परिवार उनके साथ मौजूद था। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें राबड़ी आवास की है, जब आधी रात में 12 बजे के आसपास की तस्वीरें हैं, 12 बजे के बाद की तस्वीरें हैं, जब लालू प्रसाद यादव के बर्थडे का केक काटा गया। इस दौरान तेजस्वी यादव, जो कि बिहार के डिप्टी सीएम है, लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे हैं, इनके अलावा मीसा भारती और रोहिणी आचार्य सिंगापुर से लालू प्रसाद यादव के बर्थडे मनाने के लिए आई हैं। उन्होंने ही लालू प्रसाद यादव को किडनी दिया था और अपने पापा के बर्थडे पर वो चली आई हैं और इस तस्वीर में आपको वो भी दिखाई दे रही होंगी। लालू प्रसाद यादव का जो परिवार है, नात नातिन है, वो भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसके अलावा राबड़ी देवी भी लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन मना रही हैं और ये तस्वीरें साफ बताती है कि लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार इस मौके पर कितना खुश है। राबड़ी देवी को भी लालू प्रसाद यादव ने केक खिलाया, तस्वीरें बयां कर रही हैं। इस मौके पर तेजस्वी यादव और सिंगापुर वाली बेटी रोहिणी आचार्य, जिन्होंने अपने पिता को किडनी दी है, उन्होंने खास अंदाज में अपने पापा को बधाई दी है और क्या कुछ सोशल मीडिया पर फोटो साझा करते हुए लिखा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव ने लिखा है, देश विदेश में बिहार का नाम रोशन करने वाले मजबूत शख्सियत और दृढ़ व्यक्तित्व के धनी, सामाजिक न्याय के प्रणेता आदरणीय लालू प्रसाद जी को अवतरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने नीचे हैशटैग लगाते हुए सामाजिक न्याय के महानायक लालू भी लिखा है। अब बात करते हैं रोहिणी आचार्य की। वही रोहिणी आचार्य जिन्होंने लालू प्रसाद यादव को नया जीवन दिया, किडनी देकर उन्होंने अपने पापा की जान बचाई, उनकी सेहत को सुधार दिया और अब जो है उन्होंने अपने पापा के जन्मदिन पर कुछ खास अंदाज में कुछ बातें लिखी हैं और इन बातों का बड़ा गहरा मतलब है। रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि पूरा देश दे रहा आज उनको जन्मदिन की बधाई, आम लोगों के अधिकार के खातिर लड़ी है जिन्होंने लंबी लड़ाई, हैप्पी बर्थडे पापा, आपको हमारी भी उम्र लग जाए। रोहिणी आचार्य एक लालू प्रसाद यादव की ऐसी बेटी हैं जो अपने पापा के काफी नजदीक हैं, बहुत प्यार करती हैं। वैसे तो सभी बेटियां पापा को प्यार करती हैं, बेटे भी करते हैं, लेकिन रोहिणी आचार्य की बॉन्डिंग लालू प्रसाद यादव से कुछ अनोखी देखने को मिलती है। बेटी और पापा का जो प्यार है वो रोहिणी आचार्य और लालू प्रसाद यादव के बीच दिखता है। सिंगापुर में उन्होंने किडनी डोनेट किया और अब लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन मनाने के लिए चली आई हैं। 76वां जन्मदिन मना रहे हैं लालू प्रसाद यादव और इस मौके पर आधी रात की ये तस्वीरें काफी कुछ बयां करती हैं। आधी रात में लालू प्रसाद यादव का बर्थडे केक काटा गया है। तेजस्वी यादव और रोहिणी आचार्य ने खास अंदाज में बधाई दी है और इस मौके पर परिवार के तमाम सदस्य, लगभग सदस्य वहां मौजूद हैं। चाहे तेजस्वी यादव हो, रोहिणी आचार्य हो, मीसा भारती हो, उनके छोटे छोटे बेटे हों या फिर लालू प्रसाद यादव के नातिन कह लीजिए, सभी मौजूद हैं। अब इस मौके पर न सिर्फ लालू प्रसाद यादव का परिवार बल्कि राजद के जितने समर्थक हैं, लालू प्रसाद यादव के जितने समर्थक हैं, बिहार ही नहीं बिहार के बाहर भी, वो तमाम लोग बधाई दे रहे हैं और राजद की ओर से भोज का आयोजन भी किया जाना है। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के निर्देश पर तमाम जितने भी नेता हैं, जितने भी राजद से जुड़े लोग हैं, वो अपने अपने स्तर से भोज का आयोजन करेंगे और इस आयोजन को करने के पीछे का मतलब यही होगा कि लालू प्रसाद यादव के इस जन्मदिन को खास बनाना है। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।